अरे भाई जब साथ है तो कोई बातें अगर कुछ जो ऐसे कह रहे हैं तो ये प्यार मोहब्बत की बातें थी। भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में हम चुनाव में जाएंगे, किसी को कोई एतराज नहीं है। और वहाँ तो तेजस्वी यादव जबरदस्ती कर रहे हैं कि मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ो, हम ही नेता होंगे, और दूसरे दल वहाँ मानने को तैयार नहीं है। कौन सा उम्मीदवार होगा, कौन कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा, ये हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं है। आप लोकसभा के चुनाव का उदाहरण देख लीजिए। लाइव सिटीज में आपका स्वागत है और मैं हूँ हमजा। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात नीतीश कुमार से हुई, बहुत सारी बातें हुई, मगर हम बात कर रहे हैं अभी भाजपा के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल से। गठबंधन, एनडीए गठबंधन में सब सीट ठीक होगी और सीट बंटवारा हुआ या नहीं? पहले से ठीक था, इसमें कोई विवाद थोड़ी है हमारे गठबंधन में। चिराग पासवान हमेशा आंख दिखा रहे होते हैं नीतीश, कोई आंख नहीं दिखा रहे थे। अरे भाई जब साथ है तो कोई बातें अगर कुछ जो ऐसे कह रहे हैं तो ये प्यार मोहब्बत की बातें थी। प्यार मोहब्बत में इतना कोई जो ऐसे ये कटुता की बात नहीं थी। अगर आपने लोकसभा चुनाव में देखा है कि हमने कितनी एकजुटता से चुनाव लड़ा है, और चुनाव लड़ा है तो सफलता भी प्राप्त किया, 40 में से 39 सीटें जीता है। हमारे में कहीं कोई बात नहीं थी, किसी को कोई परेशानी नहीं थी, हम साथ साथ थे, साथ हैं और आगे भी साथ रहने वाले हैं। आप और लोजपा तो साथ थे, मगर जहां जेडीयू अपना गठबंधन मतलब अपना हिस्सादार नहीं मानती है लोजपा को, और लोजपा के चिराग पासवान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हमेशा कटाक्ष करते रहते, इतने तो विपक्ष भी नहीं करते। अरे भाई जब हमने तय कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय कर दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव में जाने वाले हैं, उन्हीं की नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, तो फिर जो ऐसे कोई बात रह गई क्या? कोई गठबंधन जो साथ साथ चुनाव लड़ने वाले हैं, कहीं कोई विवाद ही नहीं था, और ना आगे भी जो ऐसे रहेगा। आप जानते हैं कि हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार चला रहे हैं, और जो भी घटक दल हैं अगर कोई बातें कुछ होती है विकास के सवाल पर या किन्हीं बातों को लेकर करके कुछ कहते हैं तो ये कटुता नहीं होता है, ये आपस का प्रेम होता है। कटुता जो है जा कर करके पूछिए महागठबंधन में कि वहाँ कोई नेता मानने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ तो नीतीश कुमार को हमने नेता घोषित कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में हम चुनाव में जाएंगे, किसी को कोई एतराज नहीं है। और वहाँ तो तेजस्वी यादव जबरदस्ती कर रहे हैं कि मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ो, हम ही नेता होंगे, और दूसरे दल वहाँ मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस कह रहा है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, रालोसपा तैयार नहीं है, हम तैयार नहीं है, वहाँ कोई घटक दल एक गुट तो जो आप देख रहे हैं कि मांझी जी छोड़ करके चले गए, इसीलिए छोड़ करके भागे हैं कि तेजस्वी यादव को नेता मानने के लिए तैयार नहीं थे। मांझी जी छोड़ के भागे, नीतीश जी ने उन्हें अपना लिया, मगर एक बड़े मन से अभी तक एनडीए में ऑफिशियल शामिल हुए हैं, इसको भाजपा ने कहीं नहीं कहा। अरे भाई जब जब मुख्यमंत्री से मिल लिए, बातचीत कर लिए, तो हमारे अंग हो गए। कोई भी व्यक्ति जिसके नेतृत्व में हम चुनाव में जाने वाले हैं, अगर उनसे बातें हो गई, उनसे मिल लिए, उन्होंने फैसला कर दिया, तो हमारे अंग हो गए, तो इसमें कहाँ कहीं कोई बात है, कोई परेशानी है किसी को? चलिए अंग हो गए मान लिया जाए ये बात, मगर क्या 243 सीटों का बंटवारा हो गया आज? बंटवारे की चिंता नहीं है, मतलब हम लोग आपस में जब बैठेंगे तो निश्चित रूप से जो है सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं है, कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा, कौन सा उम्मीदवार होगा, कौन कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा, ये हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं है। आप लोकसभा के चुनाव का उदाहरण देख लीजिए, पहले भी था कि कैसे बंटवारा होगा, 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है, कैसे होगा? और हमने जब बैठा, जब हमारे घटक दल बैठे, तो आपस में बहुत अच्छे तरीके से हमने कर लिया बंटवारा, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। इस बार भी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, हम आसानी से संख्या भी तय कर लेंगे, सीट भी तय कर लेंगे, कोई परेशान मतलब होने की जरूरत किसी को नहीं हुआ इसका मतलब अरे है। हो जब साथ हैं तो हो चुका है, और चुका आगे है। भी जो है से हमारा जो कुछ तो है वो हो जाएगा। मतलब सवाल सिंपल सा, बंटवारा हो गया या होना बाकी? अरे भाई उसमें कहा कोई परेशानी है, हम 243 सीट एनडीए लड़ने वाले हैं, हमारा एनडीए एकजुट है, एक गुट है, 243 सीटों पर हम सभी पार्टियां मिल करके तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें सीट का कहां है? जो भी उम्मीदवार होगा वो एनडीए का उम्मीदवार होगा,
सभी पार्टियां पूरी ताकत लगाकर करके उस उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। तो जैसा कि आपने प्रेम रंजन पटेल को सुना, उन्होंने साफ साफ कहा एनडीए 243 सीटों पर तैयारी कर रही है, उम्मीदवार किसी का भी कहीं से उठे तो जिताने की पूरी कोशिश होगी और बंटवारा हो। उन्होंने लोकसभा का उदाहरण दिया, लोग सवाल उठा रहे थे मगर जीत हमारी हुई और सब कुछ अच्छे से हो गया। चिराग पासवान के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्यार मोहब्बत है तो शब्दों का आदान प्रदान होता है। और भी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें लाइव सिटीज़ के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।